राम राम भाई सर है, मेरा नाम मनोज कलावत है। वेलकम बैक अगेन और न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आई नो कि काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो ले लिया, ऑलमोस्ट 30 डेज हो गए हैं मैं वीडियोस नहीं लेके आया था। उसके पीछे एक रीज़न है जो कि मैं फिर कभी डिटेल में समझाऊंगा आपको कि क्या रीज़न था, किस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, वो बाद में बात करेंगे कभी आराम से फुर्सत से बैठ के। जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं RTR एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में कि आपको अप्लाई कैसे करना है, भारत कोश है उस पर पेमेंट कैसे करनी है और पूरा सब कुछ रिलेटेड होगा RTR से। आप सभी को बता कि अगर कोई अब्रॉड से आपकी फ्लाइंग करके आता है इंडिया में तो उसका RTR, अगर कॉमनवेल्थ कंट्री से करके आ रहा है तो आपका RT जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इंडिया में। जैसे अगर साउथ अफ्रीका से मैं करके आया, मेरे फ्रेंड्स जो भी साउथ अफ्रीका से करके आए हैं, वहाँ का लाइसेंस 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है साउथ अफ्रीका का। सो आपको जो इंडिया में RT है वो RT 1 साल के लिए मिलेगी इंडिया में भी। उस 1 साल में आप अपना Part 1 लिख सकते हो, अगर डेट्स आ रखी हैं RT की तो उस Part 1 लिखने पे, अकेला Part 1 लिखने पे आपका जो RT एग्जामिनेशन Part 1 देने पे आपका जो लाइसेंस RT का वो 20 साल के लिए वैलिड हो जाएगा अगर आप पास करते हो तो। जो फ्लाइंग इंडिया से कर रहे हैं Part 1 और Part 2 उसको फुल RT का एग्जाम देना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आया था लास्ट ईयर अप्रैल में आया था। आपको सभी को पता कि भाई कोविड चला हुआ था, अक्टूबर में जाके एग्जाम हुआ हमारा जो कि DGCA के एग्जाम्स थे, लेकिन पहले 7-8 महीने ऐसे ही घर पे बैठे रहे, एग्जाम्स नहीं हुए DGCA के। बट एट लास्ट एग्जाम्स हुए, फिर फ्लाइंग करने गया। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम थी कि RT की प्रॉब्लम थी, RT का एग्जाम्स नहीं ले रहे थे पिछले 1.5 साल से या 2 साल से, RT का एग्जाम हो नहीं रहा था। एंड एट लास्ट RT के एग्जाम्स की डेट्स आ गई थी, जो कि नोटिफिकेशन आ रहा था आपको इसी मंथ मई, 5th of May को आपका नोटिफिकेशन आया था WPC की तरफ से। क्योंकि पहले बहुत सारे डाउट चल रहे थे लोगों के दिमाग में कि WPC जो पहले RT एग्जाम्स लेता था अब DGCA के अंडर आ गया RT एग्जाम्स, लेकिन वो भाई अभी दूर हो गया क्योंकि आगे का पता नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से तो RT का एग्जाम्स WPC ले रहा है। 5th May को आपका नोटिफिकेशन आया और जो डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये नोटिफिकेशन आया था, आपका जो चेन्नई है, चेन्नई एग्जाम होगा नेक्स्ट मंथ। सो उसके लिए फॉर्म भरे जाने हैं, उसकी जो डेट्स थी, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने की डेट्स थे, आपको जो फॉर्म है फिल करके जो डॉक्यूमेंट्स सारे भेजने हैं वो स्टार्ट हो गए थे आपको 7th May से, और जो ये चलेंगे लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने की वहाँ पे चेन्नई में 21 May तक एक्सेप्ट करेंगे चेन्नई में। दूसरा उसके बाद जो आपका होने वाला है वो एग्जाम डेट बताई गई है चेन्नई वाले एग्जाम्स की, वो समवेयर अराउंड होगी 27th June। एंड उसके बाद न्यू दिल्ली आएगा सेंटर, न्यू दिल्ली के बाद आपका हैदराबाद आएगा, हैदराबाद के बाद आपका आएगा। तो ये इन फ्यूचर आपके RT एग्जामिनेशन वहाँ होने वाले हैं। तो इन्होंने पूरा ईयर का एक तरीके से शेड्यूल बना के भेज दिया है, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि अभी आपको RTR का फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म सारा फिल कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये 6 पेज का फॉर्म चाहिए RTR का, जो कि आपको PDF में मिल जाएगा, और मैं एक अलग से PDF ओनली फॉर्म के PDF भी डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो और साथ में बैठ के मेरे फिल कर सकते हो जब हम आगे वीडियो बात करेंगे, ठीक है, कैसे क्या फिल करना है ये चीज़ होगी। उसके बाद फॉर्म के अलावा आपके पास होना चाहिए 10th मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी को आपको अटेस्ट कराना है गैजेटेड ऑफिसर से, नोटरी से टेस्ट नहीं कराना भाई, गैजेटेड ऑफिसर से टेस्ट कराना है। आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर से करा सकते हो जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, आप किसी भी लेक्चरर से करा सकते हो गवर्नमेंट लेक्चरर से, आप किसी प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल से करा सकते हो, तहसीलदार। आपको आधार कार्ड आपका सेल्फ टेस्ट कर देना, आधार कार्ड भी साथ में भेज सकते हो। आपके पास डोमिसाइल है आपकी स्टेट का तो डोमिसाइल को भी सेल्फ टेस्ट करके साथ में भेज सकते हो। अब ये चीज उनके लिए बताई है मैंने जो फुल RT दे रहे हैं, जो Part 1 देंगे अकेला और जो बाहर से फ्लाइंग करके आए उनके लिए आपको लाइसेंस भेजना, अपना CP लाइसेंस है जो है साउथ अफ्रीकन, जैसे मैं साउथ अफ्रीका से कर रहा हूं, जिस कंट्री से है वो लाइसेंस भेज देना, इंडिया का लाइसेंस भेज देना अगर आपके पास आ गया है। मैं FRTL भेजा मैंने और मेरा जो एक्सपायर्ड RT है मैंने वो भेजा है, ठीक है। साथ में आपको एक एनवेलप भेजना है उसी के अंदर ही जो आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, एक साथ में खाली एनवेलप के ऊपर अपना एड्रेस लिख देना, एड्रेस के साथ में आपको एनवेलप के ऊपर एक 5 रुपए की स्टैंप भी चिपका के या पेस्ट करके भेज देनी है। साथ में 2 फोटो चाहिए आपको, जो एक फोटो है वो फॉर्म पे ही पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट करो जब उसके फ्रंट पे आपको सिग्नेचर करने हैं और डेट डाल देनी है, ठीक है। साथ में जो सेकंड फोटो है उस पे अकेला सिग्नेचर और जो डेट है वो डाल के आपको एनवेलप में डाल देना है अपना, जो साथ में डॉक्यूमेंट जाएंगे उसके साथ में। अभी फॉर्म पे आते हैं और फॉर्म की बात करते हैं कि आपको फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो page number 1 जो की है COP 1 जो आपको फॉर्म सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रेडियो टेलीफोन रेस्ट्रिक्टेड। आप अगर देखोगे तो राइट साइड में आपको लिखा होगा टू बी फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट, नेम एंड पोस्टल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस इफ एनी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम डाल देना, आपका एड्रेस डाल देना, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद सेंटर, अभी जो नेक्स्ट सेंटर है वो चेन्नई है, तो यहाँ पे डाल देना सेंटर के नीचे ही चेन्नई लिख देना, आपको साथ साथ में दिख रहा होगा चेन्नई लिखने के बाद। अभी क्लास ऑफ एग्जामिनेशन एंड पार्ट, सो जो फुल
लिख रहे हो आपका जो RTR एरो फुल है, जो अगर पूरा पार्ट दोनों दे रहे हो आप, इंडिया में ही फ्लाइंग कर रहे हो और इंडिया से पार्ट दोनों दे रहे हो, और अगर कोई भारत से भी करके आ रहा है उसको फुल पार्ट देना है, मतलब कि दोनों पार्ट लिखने हैं, तो दोनों इस पर क्लिक कर देना चेकबॉक्स पे, ठीक है। और अगर कोई पार्ट वन देना चाहता है अकेला, जैसे मैं पार्ट वन दे रहा हूँ ओबियसली, तो इस पे अकेले पार्ट वन पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन अभी जो उन्होंने बताया तो 27th of June बताया, तो यहाँ पे लिख देना जून, डिटेल ऑफ बैंक ड्राफ्ट भारत कोस NTRP, क्योंकि हम भारत कोस पे पेमेंट करेंगे जो कि 500 rupees फीस है इसकी, वो वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। नेक्स्ट एंड नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, यहाँ पे NA डाल देना नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद नंबर एंड डेट। सो जो आप भारत कोस पे पेमेंट करोगे तो जाके ट्रैकिंग में जाके आपको वहां पे चालान नंबर मिल जाएगा, तो चालान नंबर और साथ में जिस डेट को पेमेंट किए वो डेट डाल देना, एंड अमाउंट आपकी 500 rupees आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ई ऑप्शन दिया गया है, स्टेट इफ अपियरिंग इन एनी अदर क्लास ऑफ COP एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे नहीं हम किसी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो नो डाल देना, नो पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है पेज नंबर 2 पे आते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर लिखा हुआ, नेम के नीचे अपना नेम लिख देना, जैसे मेरा अनुज सरनेम हो जाए कुमार में डाल दूंगा, सरनेम के नीचे आपका सरनेम आ जाए, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो नेम इन हिंदी पॉसिबल, उसके नीचे हिंदी में भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। फुल पोस्टल एड्रेस आपको डालना है, आपका जो एड्रेस है वो डाल देना, और उसके नीचे जो परमानेंट होम एड्रेस है वो भी सेम ही डाल देना, सेम एज वो मत करना भाई, डिटो सेम कॉपी कर देना नीचे आपका जो एड्रेस है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आपका वो डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट, हाइट है, जैसे कि अब मेरी 176 सेंटीमीटर है तो मैं कैसे डालूंगा कि मीटर के आगे 01 मीटर 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के आगे 76, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना। कलर ऑफ आई, आपकी आई का जो कलर है वो डल जाएगा, हेयर का कलर है वो डल जाएगा, कॉम्प्लेक्शन जैसे हम जैसे भाई लोग वो ब्रिटिश कलर के हैं, तो ब्रिटिश जो कि अपना गेहुआ कलर होता है वो आ जाएगा। एंड देन मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका जो मार्क ऑफ कोई भी आपकी बॉडी पे मार्क है वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी होगी, और साथ में इन्होंने लिखा कि प्लीज अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट शुड बी ऑफ 18 ईयर ऑफ एज, तो यहाँ पे आपकी जो 10th जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटेस्ट कराना है गैजेटेड ऑफिसर। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ विद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जो भी आपको प्लेस ऑफ बर्थ है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ वो डाल देना। एंड देन नेम ऑफ स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते वो आ जाएगा। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ एंड और डोमिसाइल, यहाँ पे यस आ जाएगा उसके आगे। If not to which country belong, ये भाई यहाँ पे not applicable डाल देना। Point number 10, जिसमें आपके fathers का name पूछा गया, तो father name डालना आपको with address। Nationality obviously Indian है। Point number 11 दिया गया, वो है आपका particulars of certificate of competency or proficiency if any already held by the applicant। तो इसमें सबसे पहले आपको देख रहा होगा class और certificate, ये उसके लिए applicable होता है जो already आपके पास RTR है या फिर वो expire हो गया, तो उनको ही डालनी होती है। जैसे RTRP है, अगर RTRA है तो वो डालना है class और certificate में। उसके बाद number and date आता है, number and date of इशू, तो नंबर आपका जो RTR का ओल्ड RTR था उसका जो नंबर है वो डाल देना, एंड साथ में कब इशू है वो डालना। में साथ में दिया गया है अथॉरिटी बाय होम इशूड, WPC के द्वारा हमें दिया गया था RTR, तो WPC हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग से दे रहा आपके पास RTR अगर कुछ है नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल तीनों में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, इसमें हमें पॉइंट नंबर 12 में लिखा होगा प्लीज अटैच प्रूफ और कॉपी ऑफ ड्यूली अटेस्टेड भाई 10th की, जो हमने बता दी कि 10th की आप अटेस्ट करा लेना गैजेटेड ऑफिसर से, उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। आगे आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर राइट साइड में दिया हो गया होगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो वहाँ पे आपके सिग्नेचर होगा, नाम डाल देना कैपिटल लेटर में और साथ में डेट और प्लेस आ जाएगा आपको। आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सिग्नेचर ऑफ विटनेस डालना है, सिग्नेचर ऑफ विटनेस कोई भी आपका यार दोस्त या कोई फ्रेंड है उसको बोल देना जो 18 प्लस है, वो यहाँ पे आपके सिग्नेचर कर देगा, नेम लिख देगा और एड्रेस डाल देगा। उसके बाद नीचे भी दिख रहा होगा आपको डेट और प्लेस डालना है, यहाँ पे लिखा होगा कि आई इनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका जो आधार कार्ड है वो लिख देना, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट कार्ड के यहाँ पे लिख देना आपको NTRP भारत कोश और 4 rupees 500 डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सोच समझ के करना क्योंकि कई सारे होंगे आपके सर्कल में, आपका कोई नॉन है तभी हो पाएगा, अगर नॉन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये मांग रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर एंड नेशनलिटी मांग रहे हैं, उसमें आपका सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन श्री या फिर आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, आपका जो नाम है सन ऑफ श्री आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, फॉर लास्ट जितने भी सालों से जानते हो वो आ जाएगा, इतने ईयर एंड मंथ्स, उसके बाद नेशनलिटी के आगे इंडियन आ जाएगा, ठीक है। और सिग्नेचर यहाँ पे होंगे उस पर्सन के जो कि गैजेटेड ऑफिसर है, और गैजेटेड ऑफिसर से कराने नीचे दिया गया होगा यहाँ पे देखो, दिस सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग गैजेटेड ऑफिसर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर और तहसीलदार, तो किसी भी आपके कोई नॉन हो तो उनसे करा लेना क्योंकि तभी पॉसिबल हो पाएगा। उसे नेक्स्ट है एडमिशन सर्टिफिकेट, तो रीजनल ऑफिस जो ऊपर लिखा हुआ है रीजनल लाइसेंसिंग ऑफिस या चेन्नई डाल देना अगर, क्योंकि चेन्नई है तो दिल्ली आ जाएगा। फिर श्री जो आपका नाम है वो आ जाएगा यहाँ पे RTR सेंटर के नीचे आपका आ जाएगा, जैसे चेन्नई है सेंटर चेन्नई डाल देना, न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली जो भी सेंटर है उस टाइम पे वो डाल देना। नेक्स्ट है अपने पास
रोल नंबर डेट ये सब कुछ छोड़ दो ना, कोई जरूरत है नहीं। एंड देन यहाँ पे टू और थ्री करके है कैंडिडेट टू राइट हिज पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, पूरा एड्रेस डाल देना विद नेम एंड योर पोस्टल एड्रेस कंप्लीट। के नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, अटेंडेंस सीट जो की, तो क्लास ऑफ एग्जाम यहाँ पे अगर आप पार्ट वन लिख रहे हो ओनली तो पार्ट वन पे लिख रहे हैं, पार्ट वन और टू दोनों दे रहे हो तो पार्ट वन और टू दोनों पे क्लिक कर देना। नेम ऑफ सेंटर है वो अपना, जैसे मेरा चेन्नई है तो चेन्नई आ जाएगा और आपका जो भी है वो आ जाएगा। फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देना और उस फोटोग्राफ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिग्नेचर कर लेना और डेट आपके सिग्नेचर के नीचे आ जाएगा। उसके नीचे आते हैं कि नेम आपका कैंडिडेट का ब्लॉक लेटर में आ जाएगा, उसके बाद पोस्टल एड्रेस है नीचे, फादर्स नेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगा, ये सेम चीजें डालें जो हमने ऊपर डाली थी। हाइट जैसे मैंने बताया था इन मीटर्स में डालना है तो डाल देना 1.75 मीटर, जो भी है 1.76 ऐसे करके मीटर डाल देना। कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर, कॉम्प्लेक्शन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड 12 पॉइंट सेम है जैसे हमने ऊपर किया था, और नीचे वाला जो पार्ट है पार्ट वन पार्ट टू इन पे कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको खाली छोड़ देना। इतना ही हमारा काम, लास्ट हमें कुछ करना नहीं है। इतना करके आपको ये जो एनवलप में डाल के एड्रेस जो है वो एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ कौन सा लिखना है। जैसे इसी आप जाओगे पीडीएफ में चेक करोगे तो पीडीएफ में आपका एड्रेस मिलेगा आपको पेज नंबर सेकंड पे, तो जैसे आरएल और चेन्नई, अगर चेन्नई अटेम्प्ट है तो चेन्नई का एड्रेस जो है वो डाल देना पूरा आपको, और अगर दिल्ली है दिल्ली का एड्रेस है, जैसे कोलकाता कोलकाता एड्रेस है वो सारा उस पर डालना, टू ये एड्रेस आ जाएगा, फ्रॉम आपका नाम आ जाएगा, और इसको स्पीड पोस्ट करा देना। डॉक्यूमेंट आपको बताए दिए हैं और जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी आपको इसमें डालनी है भारत कोष की, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में डालना है, कुछ डॉक्यूमेंट भूलना मत भाई, अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सेकंड चीज़ की भारत कोष की पेमेंट करनी कैसे है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई पहले ही, और सारा सब कुछ प्रोसेस पेमेंट का उस वीडियो में समझा दूंगा। इस वीडियो में कुछ भी कोई भी डाउट हो, और ये जो पीडीएफ है ये भी डाल दूंगा नीचे, और जो फॉर्म की पीडीएफ होगी वो भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड कर सकते हो, और साथ साथ में वीडियो जैसे आपने देखी तो फिल भी कर ली होगी, और फिर भी कुछ डाउट रहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। और टेलीग्राम अपना ग्रुप है, टेलीग्राम में जो भी कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, स्टडी मटेरियल होता है, एविएशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी लाइफ से कुछ भी अपडेट आते हैं तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ विद टाइम, तो उसको रियल लाइफ में और आप चेक कर सकते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, और सारी बाकी कुछ अपडेट्स आने होते हैं वो सब हम इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी होगी है, मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।